बच्चों, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे ई की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ना। तो आप लोगों को वाक्य पढ़ना, अभी हमने जो वर्ण पढ़े, शब्द पढ़े, उनकी मदद से हम ये वाक्य भी पढ़ेंगे। चलो तो हम इसे स्टार्ट करेंगे। रा पे आ की मात्रा रा, और न पे की मात्रा नी, रानी। अ पे आ की मात्रा आ, तो रानी आ। ल पे की मात्रा ली, च पे की मात्रा ची, लीची। ख पे आ की मात्रा खा, खा। रानी आ लीची खा। फिर क्या है, न पे आ की मात्रा ना, न पे की मात्रा नी आ। और ये क्या है, छो, ये बड़ी, तो नानी आई, नानी आई। फिर म पे की मात्रा मी, ठा पे आ की मात्रा ठा, ई मिठाई। ल पे आ की मात्रा ला, और ये ई लाई, नानी आई मिठाई लाई। क्या है ये, क ब पे की मात्रा री, र क बी र आ। ना न पे आ की मात्रा ना, नी पे की मात्रा नी, आ ई कबीर आ नानी आई। त पे छोटे की मात्रा ती, त ल पे बड़े की मात्रा ली, ती तली। म त पकड़, तितली मत पकड़। तो ये ई की मात्रा के वाक्य थे। अब आप लोगों को अपने बुक में यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसमें आप लोगों को ई की मात्रा लगानी है। देखो यहाँ पे क्या है, क म पे ई की मात्रा लगानी है। तो ऐसे आप लोगों को म पे ई की मात्रा लगाओगे तो क्या बन गया वर्ड, कमीज। म क ड, तो ड पे क्या लगाना है, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई है तो आपको यहाँ पे ई की मात्रा लगानी है, म क डी। क क ड पे ई की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा, डी, क क डी। अब यहाँ पे द पे बाजू में ब्लैंक्स दी गई है, यहाँ पे आपको ये ई की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे मात्रा लगाएगी दी के बाजू, द के बाजू में, तो क्या हो जाएगा, दीप क। फिर क्या है, व पे ई की मात्रा लगानी है, यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है तो हमें व पे ई की मात्रा लगानी है। व पे ई की मात्रा लगाई वी र, वीर। फिर यहाँ पे क्या है, ह पे आ की मात्रा हा, थ, और यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है तो हमें थी पे ई की मात्रा लगानी है, तो कौन सा वर्ण बनेगा, हाथी। फिर ये च पे ई की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा ची, त पे आ की मात्रा है तो चिता। यहाँ पे क्या है, र पे आ की मात्रा, न पे ई की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, नी, रानी। फिर ये स पे भी ई की मात्रा लगेगी और टिक ट के बाजू में भी ब्लैंक्स दी गई है तो उस पे भी ई की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा वर्ण, सिटी। म ह पे ई की मात्रा लगेगी, यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है तो यहाँ पे ई की मात्रा लगेगी, महीना। ढग पे भी आ की मात्रा है तो क्या हो गया, महीना। अभी यहाँ पे देखो चार वर्ण के शब्द है तो इसमें भी हमें ई की मात्रा लगा के शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो, ग पे छोटी ई की मात्रा है तो गी, ल, ह। र पे बड़ी की मात्रा लगेगी तो री, गिलहरी। फिर ये क्या है, द पे ई की मात्रा लगेगी दी, प पे आ की मात्रा पा, व, ल पे ई की मात्रा लगेगी तो क्या होगा, दीपावली। फिर ये च म क पे लगेगी ना ई की मात्रा, देखो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई है तो यहाँ पे हम ई की मात्रा लगाएंगे। फिर ये ल, ल पे लगेगी ई की मात्रा, चमकीली, क्या हो गया, चमकीली। च म क पे ई की मात्रा की, ल पे ई की मात्रा ली, चमकीली। ये न पे आ की मात्रा ना, श प पे आ की मात्रा पा, त और त पे ब्लैंक्स दी गई है तो यहाँ पे ई की मात्रा लगेगी, नाशपति। फिर ये क्या है, झ, झ पे आ की मात्रा झा, ल, ल पे ई की मात्रा लगेगी ली, झाली। तो हो गया, हम आप लोगों को ये अपनी बुक्स में लिखना है और पढ़ना है और मात्रा लगानी है। थैंक यू।